200 मीठे फलों का स्वाद किसे अच्छा नहीं लगता। फलों को प्रकृति का खजाना कहा जाता है, जिसे कोई भी कभी भी खा सकता है। बस उन्हें उठाओ और खा जाओ। और वैसे भी फल हर कोई खाना पसंद करता है, लेकिन बाजार में तो फलों की कीमत हमेशा ही ज्यादा रहती है। अगर क्या हो, किसी फल के लिए आपको लाखों रुपए चुकाने पड़े तो आप क्या करेंगे? सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन हमारी दुनिया में कई ऐसे फल हैं जिनकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाओगे, और उनको खरीदना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के पास सबसे महंगे फलों के बारे में, जिनको आम आदमी कभी खरीद नहीं सकता। नंबर 1, यूबरी मेलन। वैसे तो हम गर्मी का मौसम आते ही खरबूज खाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह हमारे इंडिया में लगभग 40 से 50 रुपए किलो के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन ये यूबरी खरबूज सिर्फ जापान के ग्रीन हाउस में ही उगाया जाता है। यह दुनिया का सबसे महंगा फल होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे महंगा खरबूज भी है। यूबरी खरबूज दिखने में तो एक आम खरबूज जैसा ही होता है, पर खाने में बेहद ही लजीज और स्वादिष्ट होता है। इसे केवल जापान में उगाया जाता है और इसको जापान के बाहर बहुत ही कम एक्सपोर्ट किया जाता है। यूबरी मेलन के एक जोड़े को साल 2014 में $26,000 में बेचा गया था, यानी इंडियन करेंसी में लगभग 21,22,000 रुपए। इसे जापान में बहुत महंगे गिफ्ट के तौर पर एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो आपको एक जोड़ा खरीदने के लिए 21,22,000 रुपए देने पड़ेंगे। नंबर 2, रूबी रोमन ग्रेप। अगर अंगूरों की बात की जाए तो रूबी रोमन अंगूर दुनिया के सबसे महंगे अंगूर माने जाते हैं। इस अंगूर के गुच्छे में आपको सभी अंगूर एक समान ही दिखेंगे। एक अंगूर का वजन करीब 20 ग्राम होता है। रूबी रोमन अंगूरों को सिर्फ एक सीजन में ही तैयार किया जाता है और इसे साल भर स्टोर करके रखना होता है। इन अंगूरों की खेती सबसे पहले 2008 में शुरू हुई थी और 2016 में हुई एक नीलामी के दौरान रूबी रोमन अंगूर के एक गुच्छे की कीमत $11,400 यानी लगभग 9,30,000 रुपए में हुई थी। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो रूबी रोमन अंगूर के एक गुच्छे को खरीदने के लिए लगभग 6,42,608 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 3, बुद्धा शेव्ड पियर। हमारे हिसाब से तो लगभग एक ही प्रकार की नाशपाती मिलती है, जिसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक बुद्धा के आकार का होता है, जो पेड़ के ऊपर ही बुद्धा के आकार का हो जाता है। दरअसल चाइना में भगवान बुद्धा को बहुत माना जाता है, इसीलिए भक्ति की भावना को जोड़ने के लिए इस फल को तैयार किया जाता है। अगर इस फल की कीमत की बात करें तो सिर्फ एक बुद्धा के आकार की नाशपाती को आपको $9 यानी लगभग 734 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 4, एग ऑफ द सन। ये एक आम की प्रजाति है। इसे जापान के लोग टाइयोनो टमेगो भी कहते हैं। इसे एग ऑफ द सन के नाम से भी जाना जाता है। इस आम का वजन करीब 350 ग्राम तक होता है। यह जापान का सबसे लोकप्रिय फल है। इसको खरीदने के लिए तो लोगों की बोली लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आम की कीमत 2,00,000 रुपए है, जिसको अंबानी जैसे लोग ही खा सकते हैं। नंबर 5, स्क्वायर वाटर मेलन। दोस्तों, जापान में एक विशेष प्रकार का चकोर तरबूज उगाया जाता है, जिसको जेंट सुजी वाटर मेलन भी कहते हैं, परंतु यह एक प्राकृतिक आकार नहीं है। जापान में ये तरबूज एक बॉक्स में उगाए जाते हैं और इनका वजन करीब 5 किलो तक होता है। एक तरबूज की कीमत $80 से लेकर $200 तक होती है, लेकिन कीमत की तुलना करें तो इनका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तरबूजों को चकोर आकार देने के लिए पकने से पहले ही तोड़ देते हैं, फिर चकोर सांचे में डाल दिया जाता है, जहां पर ये चकोर आकार लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज इन्फो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यकीन मानिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा।